बिहार राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री मोहम्मद जामा खान बागमारा भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के घर पहुंचे। शत्रुघ्न महतो के पक्ष में अपने समुदाय से वोट देने की अपील। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एनडीए पर आस्था रखे हुए हैं, उसी तरह झारखंड में भी अल्पसंख्यक को एनडीए पर आस्था रखते हुए कमल फूल छाप पर मोहर लगाकर कमल खिलाना होगा। बिहार जैसा झारखंड में भी प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यक मान सम्मान के साथ सभी वादा पूरा होगा। उक्त बातें चिटाही सांसद ढूलू महतो की आवाज में प्रेस वार्ता में कही। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के बिहार प्रदेश के नेता हैं और आप सब क्या सुराज्य कैबिनेट मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में। हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हमारे बड़े भाई जहाँ भी मौजूद हूँ मैं, भाई ढूलू महतो साहब जो सांसद हैं, इनके बराबर तारीफ करते हैं। इनके संघर्षों को लेकर गरीब अमीर जो भी लोग इनके पास आते हैं, कमजोर वर्ग हो, अमीर लोग हो, बड़े लोग हो, जिस समाज लोग हैं, उनका ये काम करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। ये बातें नीतीश कुमार जी, मेरे नेता नीतीश कुमार जी भी जानते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उनसे कहा कि आप वहाँ जाइए, क्योंकि मेरे पहले से मुझसे संबंध रिलेशन है, ये हमारे बड़े भाई की तरह है, मेरे भाई की तरह है, मेरे दोस्त हैं। सांसद के चुनाव जो हुआ तो भी हम लोग आए थे उसमें। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं पूरे बागमारा विधानसभा के तमाम मतदाताओं मालिकों से, मैं माइनॉरिटी से कहना चाहता हूँ जो माइनॉरिटी संबंध में हूँ, इनका जो भी संघर्ष रहा है गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, किसी समाज का रहा हो, उसके विकास के लिए, उत्थान के लिए हमसे लड़ते रहे। इनका इतिहास यही है, ये संघर्षों की उपज है, वरासत से नहीं आए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, अपने समाज से कहना चाहता हूँ, मैं नीतीश कुमार जी के माध्यम से आया हूँ। नीतीश कुमार जी ने खुद भेजा है, चूँकि नीतीश कुमार जी से, हमारे नेता नीतीश कुमार जी से इनका खुद का अपना एक संबंध है, और नीतीश कुमार जी ऐसे हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। आज बिहार के अंदर जो विकास हुआ है वो आपके सबके सामने है, और अगर परिवर्तन हुआ, यहाँ परिवर्तन पूरे झारखंड में हुआ, सरकार बनी, निश्चित तौर पर ये बात पहले भी उठाते रहे आप संघ समाज के लिए, उनके भाई जब पहुँचेंगे सदन में उठाएंगे भी, और जो विकास अधूरा है माइनॉरिटी के बात में कह रहा हूँ, वो पूरा होगा। मैं आपके माध्यम से माइनॉरिटी समाज से हाथ जोड़ गुजारिश करना चाहता हूँ, चूँकि मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ। हम लोग लड़ते हैं बिहार में, वहाँ भी ये चुनाव के दौरान ये जाते हैं, जो भी इनके संगी साथी दोस्त मित्र रहते हैं उसको लेकर समर्थन में पहुँचते हैं हमें चुनाव जिताने के लिए। तो मैं अपने जो भी मेरे रिलेशन के हों, मेरे समाज के लोग हों, या मुझे मानने वाले हों, जानने वाले हों, सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एक एक मत हमारे शरद महतो जी को एक एक मत देकर, फूल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। हम भी मजबूत होंगे, हमारे नेता नीतीश कुमार जी मजबूत होंगे, एनडीए मजबूत होगा। आज जो भी विकास दिखाई दे रहा है देश और प्रदेश के अंदर, वो एनडीए का ही है। इसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जिसे मैं मौजूद हूँ, अपने भाई के पास मैं आया हूँ, एक एक वोट अपना जितना भी है, दोस्त हों, मित्र हों, के रिलेशन के लोग हों, एक एक वोट अपना फूल छाप पे मतदान करके बटन दबा के भारी मतों से विजय दिलाइए, ताकि मेरा भी सीना चौड़ा हो, मैं भी कर सकूँ, मेरा भाई चलूँ। और क्रमांक नंबर दो पे हैं, क्रमांक नंबर दो पे हैं। फिर पुनः एक बार कहना चाहता हूँ, ढुल्लू महतो का अपना खुद का एक इतिहास है, उनका पहचान, संघर्षों का पहचान है। ये जब भी संघर्ष किसी गरीब के लिए किए हैं, ये नहीं कहेंगे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी गरीब आया होगा, जिसके भी आंख में आंसू देखे होंगे, उसके लिए खड़े हो जाते हैं। शायद इसलिए जो कुछ लोग हैं जो विरोध भी करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये गरीब से, गरीबी से उठे हैं, गरीबों का हाल जानते हैं, ये तो खुद सांसद हो गए, और ये मजबूत हो जाएंगे तो हम लोगों का जो दुकानें बंद हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अगर ऐसे लोग मतलब होता रहा, तो गरीबों का जो यहाँ कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार न्याय होता है, कोई माई कराने अत्याचार न्याय नहीं कर सकता है, ये अगर मजबूत होंगे तो निश्चित तौर गरीब मजबूत होंगे। झारखंड में एनडीए किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है? एनडीए तो जहाँ भी लड़ती है आप जानते हैं, विकास को लेकर लड़ती है। आज जो भी दिखाई दे रहा है, इस बात को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, बहुत सारे सरकारें आई और गई, लेकिन जो है रोड की मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, या जो भी मामला विकास दिखाई देता है झारखंड बिहार जहाँ भी देश के अंदर, वो किसी और का नहीं, एनडीए का ही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एनडीए अगर आया तो निश्चित तौर पर आपका प्रदेश का विकास होगा, सौहार्द भाईचारा बना रहेगा। साथ साथ ये भी मैं कहूँगा, कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो हमारे माइनॉरिटी समाज को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। यहाँ ढुल्लू महतो जी हैं, ढुल्लू महतो जी हैं निश्चित तौर पर, यहाँ की मैं बात करता हूँ,
पूरे धनबाद की बात करता हूँ, उनके साथ का चयन नहीं हो पाएगा ये सब लोग जानते हैं। यूपीए की सरकार जो इंडी गठबंधन की सरकार हेमंत सरकार के टाइम में कितने मंत्री जेल गए, आईएएस जेल गए, इस पर क्या कहेंगे? क्या आईएएस अफसर भी जेल गए झारखंड सरकार में, झारखंड हेमंत सोरेन की सरकार में, और कई मंत्री भी जेल की हवा खा रहे, खुद सीएम भी जेल की हवा खा रहा है, क्या कहेंगे उस सरकार? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मीडिया के अपसादी हैं या के साथी सब जानते हैं, कुछ आपसे छिपा हुआ नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं जानता हूँ आप जानते हैं। मैं इतना कहूँगा कि मतदाता मालिकों से एनडीए पर विश्वास करें, निश्चित तौर पर अगर एनडीए यहाँ चुनाव जीतेगी, सरकार बनेगा, परिवर्तन होगा, तो आने वाले दिनों में जो गलत गड़बड़ होगा उसके साथ निश्चित तौर कार्रवाई की जाएगी। सर, झारखंड में जदयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें आपकी क्या स्थिति है? उसमें रांची है, यहाँ जमशेदपुर में है, एक तमार से है, वहाँ चुनाव जीतेंगे, और हमारे नेता जो हम वहाँ मौजूद हूँ इनका भी मैसेज गया वहाँ पे, हम सब लोग एनडीए की ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये परिवर्तन की लहर बनी हुई है और लहर बढ़ भी रही है। अब फिर मैं आग्रह करना चाहूँगा, जहाँ मैं बैठा हूँ मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट से चुनाव जीते, ताकि मेरा भी सीना चौड़ा हो, और कब जीतेंगे कि जब हमारे भी समाज के लोग वोट करेंगे, ये मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आपका द्वारा कहने सबूत जानेगा कि बार बार मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि आप समझो बात को, जहाँ विकास हो, जहाँ सम्मान हो, जहाँ सबको लेकर चलने की बात हो, वहाँ आप दो बटन दबाओ। और मंत्रो जी का अपना खुद एक इतिहास है, बताना नहीं है, सब जानता है, जिन्हें गरीब कमजोर वर्ग के लोग जानते हैं कि उनको इनको लोग नेता माना है, और उन्हें लड़ाई भी लड़े हैं, तो आने वाले दिन और मजबूत हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर लड़ाई और मजबूत। आज का जो चुनाव प्रचार है, आपकी शेड्यूल है क्या? हाँ है, 3-4 जगह मुस्लिम समाज के यहाँ जाएंगे, भाई साहब से बात कर लेंगे, कुछ हमारे साथी मुझ साथ हैं, हम चलेंगे, अपना काम करेंगे। ऐसे तो जहाँ हम लोग जाते हैं तो जो गरीब कमजोर वर्ग है किसी समाज का, इनको चाहता लाइक करता है। मैं रात को 2 बजे आया हूँ, सुबह में हम 30-40 लोग हमारी बात फोन से हुआ, उसमें शायद 2-4 लोग दाएँ बाएँ किए हों, सब लोग कहते भी उनके साथ हम जाएंगे, यहाँ जो भी चेहरा महिला कपड़ा महिला देखते हैं वही सम्मान करते हैं, आँख में आंसू देखते हैं वही सम्मान करते हैं, तो उनके साथ हैं, तो ठीक है, वो अपना कर ही रहे हैं, हम लोग अपना। आखिर सर, आपके समाज के लोग भाजपा से इतने दूर क्यों रहना चाहते हैं? नहीं, दूर नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें कभी हो जाती है, राजनीति का बड़ा लंबा परिवार है, बड़ा परिवार में ऐसा कुछ हो जाता कभी कभी, वो लोग नहीं समझ पा रहा, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग मजबूती से वो लोग साथ खड़े हैं। ECC पर आपका क्या रहे सर, आपकी पार्टी का ECC पर क्या रुख है? ECC पर अमित शाह कल आयोग ECC के बारे में बोले लागू होगी, इस पर क्या आपका पार्टी का? देखिए, एनडीए की सरकार, एनडीए में हम सब लोग हैं, एनडीए जो भी करती है पूरी कमेटी बनाकर पारित बात करके पारित होता है, उसे सब लोग रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं का मामला है, बड़े नेताओं के साथ है, तो उसमें जो होगा निर्णय सब लोग। झारखंड में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर भाजपा क्या रणनीति? वही तो है, मैंने बता दिया ना कि एनडीए के मैं साथ, तो बिहार के अंदर हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय मुसलमानों के लिए एनडीए बना रही है। एनडीए इससे पहले जिसके साथ में समाज के लोग उसको नेता मानते थे, वो प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटना चाहता है, वो सब देख रहा है बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर एनडीए में ही 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी, उसी समय मुसलमानों के लिए आवासीय विद्यालय हर जिले में बना, हर जिले के अंदर 2-2 हॉस्टल बना बच्चे बच्चियों के लिए, मदरसा का शुद्धिकरण, कब्रिस्तान का घेराबंदी पहली बार एनडीए की सरकार में हुई है। तो मैं जानता हूँ जिस दिन ये चुनाव हमारे शरद भाई चुनाव जीतेंगे, तो हम लोग लड़ के जितना भी होगा एनडीए के नेतृत्व में, या कब्रिस्तान की घेराबंदी भी होगी, कब्रिस्तान का भी काम होगा, मदरसा का भी काम होगा, स्कूल भी बनेगा, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ आज बढ़े, कि हमको भी लगे कि नहीं मेरा समाज ने काम किया है। थैंक यू।